सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में हर्ष से मनाया जाता है, तो ऐसे में धर्मनगरी बनारस कैसे पीछे रह जाती। दरअसल बनारस संस्कृतियों का शहर है, यहाँ देश के अलग अलग संस्कृतियों का समागम मिलता है। वाराणसी वैसे तो भगवान शिव की नगरी है, यहाँ शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन नवरात्रि पर भी उत्साह कम नहीं होता। दुर्गा पूजा के मौके पर बनारस में भी बंगाल की तरह पंडाल बनाने की परंपरा है और हर पंडाल अलग अलग थीम का होता है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बनारस के अलग अलग पंडाल के दर्शन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए बनारस का सबसे प्रसिद्ध पंडाल जो कि हथवा मार्केट का है। इस पंडाल में इस बार कर्नाटक के मुर्देश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किया गया है। यह पंडाल तीन देवियों यानी कि दुर्गा, काली और सरस्वती को समर्पित है। आप इस पंडाल में स्तंभ की तरह अजय सिंह जी लगातार मां की सेवा में समर्पित है। और अब देखिए बनारस के शिवपुर मैदान में बनाए गए श्री राम मंदिर भव्य पंडाल। अगला पंडाल है बनारस के एक और प्रसिद्ध जगह का, जिसका नाम है सनातन धर्म। यहां केदारनाथ मंदिर के थीम पर पंडाल की झांकी का निर्माण किया गया, साथ ही इस पंडाल में लेजर और म्यूजिक शो भी किया गया। और अब देखिए बनारस के मछूदरी में बने पंडाल का दृश्य, जहां बनारस के नए विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, जो अपने आप में ही अलग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस सूची में अगला पंडाल है बनारस के चेतगंज में बने भूतिया पंडाल की, जहां स्त्री मूवी के थीम पर भूतिया पंडाल का निर्माण किया गया है, जो काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए दिखाते हैं अगले पंडाल का दृश्य, जो कि अर्दली बाजार में स्थित है। न्यू डिलाइट क्लब द्वारा यहां भगवान आदि योगी के थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां पर स्थित मां दुर्गा की प्रतिमा अपने आप में ही अलौकिक है। इस सूची में अगला पंडाल शिवपुर का है, जहां पर उज्जैन के महाकाल मंदिर के थीम पर आधारित पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां लेजर शो का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये थे बनारस के कुछ पंडाल। हर साल की तरह इस बार भी बनारस में 100 से अधिक दुर्गा पंडालों का निर्माण किया गया, जो काफी अद्भुत है और साथ ही बेहतरीन भी। जय माता दी।